हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जीके सीए सीरीज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड एडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू द प्रीएम्बल इन इंडिया इन एडिशन टू एंड इंटीग्रिटी दस मेकिंग इट यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस साल एमयू बीएलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आपको प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कूपन कोड जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और अगर आपको इसको बाय करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्लोजली फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री को क्लोजली फॉलो करती है। तो करेक्ट आंसर आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया भी है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को क्लोजली फॉलो करती है। बट सारी चीजें यूके से तो बोरो नहीं किया है, अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें बोरो किया है। बट क्लोजली पूछा जाए तो हमारा यूके आंसर जाएगा, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऑप्शन भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। राइट, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो पॉलिटिकल और सोशल फिलोसॉफी जो है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो आप सी पे टिक कर सकते हो। राइट, बट इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, ये ध्यान देना। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सो ए सिस्टम ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल फिलोसॉफी दैट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन ऑफ फेथ, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर डी नहीं होता तो सी जा सकता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? तो वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, आगे आपको पता भी होना चाहिए, क्वासी फेडरल होता है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता, ड्यूरिंग द इमरजेंसी यूनिटरी आप कह सकते हो। उस केस में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी कहलाता है, सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं इमरजेंसी के केस में। राइट, बट जनरली देखें तो डिवीजन होता है पावर का, तो उसको फेडरल कहते हैं, बट स्प्रिट यूनिटरी है। सो ऑप्शन डी, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी स्प्रिट हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपको ये बताना है जो फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया ने किस कंट्री से बोरो किया है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जो कंट्री है वो है कनाडा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कनाडा से बोरो किया है फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, कनाडा से लिया, कनाडा से और क्या लिया इसके अलावा? इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का भी कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, गवर्नर का भी हमने कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया है। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो आप प्रेसिडेंट के टॉप के पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट से वो किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143। और अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर उनको कोई भी एडवाइस लेना है तो फाइनेंस कमीशन से लिया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? दैट इज फ्रॉम द कनाडा। ठीक है, ये ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सब हमने कहाँ से? यूएस से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यूएस से क्या क्या लिया है थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा डिटेल में तो जाना नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? वो हमने यूएस से लिया है। और क्या लिया यूएस से? प्रीएम्बल हमने जो लिया है वो भी यूएस से लिया है। और क्या लिया है? फंडामेंटल राइट भी हमने कहाँ से लिया है? दैट इज फ्रॉम द यूएसए से लिया है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी हमने कहाँ से लिया है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस से लिया है। फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है, आर्टिकल 61। और साथ में हम बात करें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूएस से लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल वाज प्रपोज्ड बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी, तो प्रीएम्बल जो है वो किसने प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? ऑप्शन है सरदार पटेल, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपको ध्यान देना भी है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है बेसिकली इसको आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। कब किया था? 13th दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आप कह सकते हो ये आउटलाइन था कॉन्स्टिट्यूशन का, आउटलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो। यही जो है आगे चल के क्या बना, ये प्रीएम्बल का रूप इसने धारण कर लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव पावर जो दिया है किसको दिया? प्रेसिडेंट को दिया। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा इस केस के अंदर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 का आप कह सकते हो आंसर द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो इसको जो डिवाइड किया है बेसिकली, तो किस में डिवाइड किया है? ठीक है, जो पावर्स हैं सेंटर स्टेट्स के किस किस लिस्ट में डिवाइड किए हैं? तो तीनों लिस्ट के अंदर, यानी यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। सो ऑप्शन सी जो है हमारा कट जाएगा। ध्यान देना है कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, हमने इस वीडियो में डाला भी है, आगे भी डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिर पूछा है ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है कि हमने किस ये कॉन्सेप्ट किस कंट्री से बोरो किया। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हो यहाँ बाई कैमरल जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किस कंट्री से बिलोंग किया है, दैट इज यूके, या इसको इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद है ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, अगेन देखो अभी हमने डिस्कस भी किया था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है बेसिकली ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है, तो इसका आंसर जाएगा द ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके एंड सीए सीरीज का। तो हम आगे वाले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।